बैठक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई है। सबसे पहले उन्हें सभी माननीय मंत्रियों ने बधाई दी है कि जिस प्रकार अमरवाड़ा में जो कि हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जीते हैं, इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने उनको बधाई दी है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है, हमने कुलपति को कुल गुरु की घोषणा की है, तो हमें उन विधिवत तरीके से शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता आई है उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी और गुरु के बीच में एक जो हारमोनी चाहिए वो हारमोनी नहीं होने के कारण थोड़ी सी अराजक स्थिति है। तो हम कैसे हारमोनी और अच्छी स्थापित कर सकें, तो हर शिक्षक का विद्यार्थी सम्मान करे, गुरु पूर्णिमा को उनको चरण स्पर्श करे, और उसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण भी करें, ये उनने अपेक्षा की है। एक बहुत अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है। यह 7 दिन का अभियान होगा, पहले भी हमने किया था आपको याद हो, उसमें लगभग सीमांकन बंटवारा इस सब के प्रकरण लगभग 30,000 निपटे थे। यह भी फिर से 7 दिन का एक अभियान चलेगा, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं वो सारे निपट जाएं, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करे, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी वक्त दिल्ली के अंदर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 आया। हमने हमारे प्रदेश के जितने भी सड़क पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा लोन दिया है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को आज भारत शासन सम्मानित कर रहा है। हमारे 2 अधिकारी हों पुरस्कार प्राप्त करने भी गए हैं। उसी प्रकार NULM योजना, उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम आया है, उसमें भी अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे अधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। एक, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बैंकों के कियोस्क लगे हैं, जहां से हम लोग पैसा निकालते हैं, उसका तो बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत हो रहा है। उसमें भारत शासन ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम एक्ट बनाया, उस एक्ट के कुछ नियम में प्रावधान राज्य सरकारों को करना था, हमने उसके नियम बनाए, तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी है वो इसमें काम करती है, उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में GSP हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें, ये सब प्रावधान इसमें किए गए, जिससे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है जो कि लूटने जैसी जो घटनाएं हो जाती है इस प्रकार के वाहनों के साथ, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मापदंड दिए हैं और उन सब नियमों का उनका पालन करते हुए उन्हें नगद राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अधिकार होगा। इसका रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा नियम 2024 आज उसकी अधिसूचना जारी की गई है। उसी प्रकार से ये निजी सुरक्षा अभिकरण विनियम अधिकरण है, ये भी जितनी भी एजेंसियां हैं उस एजेंसियों के लोग कैसे हों, एजेंसी में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड, एजेंसी में काम करने वाले लोग पहले कभी किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं है, इन सब का भी लेखा जोखा उन्हें रखना होगा और सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसका लाइसेंस हम जारी करेंगे तो सुरक्षा एजेंसी में भी जवाबदार लोग हों और कम से कम उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के हों, इन सब बातों के लिए सरकार ने निजी सुरक्षा अभिकरण विनियम बनाया है 2024। ये सिर्फ उसको लाइसेंस जब ही मिलेगा जब वो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करेगा। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की
लगभग 17,000 पद थे, पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और जितने भी बेकलाक के पद हैं वो भर जाएं साल भर के अंदर, इसका हम प्रयास करेंगे। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। आप जो सभी जानते हैं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा अभियान के अंतर्गत जितने भी प्रदेश के अंदर वाटर बॉडीज है उनको संरक्षित करना, उनको उनका जीर्णोद्धार करना एक कार्यक्रम हाथ में लिया था और उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज थी, नदियां थी, उनका सफाई, कुओं का, बावड़ी का पुनर्जीवन करना, इस पे काफ़ी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड है, रामसर साइड है, इंदौर की एक सिरपुर जो रामसर साइड है वहाँ ठीक तरीके से, क्योंकि ये सिरपुर की जो वेटलैंड साइड है यहाँ पर विदेशी पक्षी काफ़ी आते हैं और बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स भी दुनिया भर के आते हैं, उनके फोटो लेके ले जाते हैं। उसको और संरक्षित करना, फिर उसके आसपास इंक्रोचमेंट हो उसको हटाना, उसका कैचमेंट एरिया जितना भी है उसको क्लियर करना, उसमें किसी प्रकार के नाले वगैरह गंदा पानी नहीं आए इसकी चिंता करना। वैसे वहाँ पर जो तालाब का सोर्स है वो बरसात का पानी है और सुखनिवास जो नदी है उसका एक्सेस पानी उसमें आता है, जिसके कारण उस सिरपुर तालाब में पानी 12 महीने रहता है। पर यह अमृत धरोहर को हम ठीक तरीके से और सजाएं, संवारें, वहाँ हरियाली लगाएं, वहाँ वृक्षारोपण करें और उसको कैसे अच्छा पर्यावरण के हिसाब से भी और पर्यटन के हिसाब से भी उसका विकास कर सकें, इसके लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को लगभग 6,195 लाख का एक योजना देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 40% राशि राज्य शासन की, ये केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने हमें राशि दी है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डाटा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने पहले डाटा सेंटर बनाया था पर अब जैसे जैसे डाटाओं की संख्या बढ़ती जा रही तो हमें क्लाउड की ओर जाना पड़ेगा। तो अब क्लाउड के लिए निश्चित रूप से सरकार के बस की बात नहीं होती कि क्लाउड को बना सके, और तो हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे आईटी कंपनियों को जिससे कि वो अच्छा क्लाउड बनाए, क्योंकि अब डाटा जैसे हमें लाडली बहना योजना उसका इतना बड़ा डाटा है कि उसको संभालना, उसको बचा के रखना, ये सब ऐसे हर चीज के राशन कार्ड के, किसान सम्मान निधि के, ये सब डेटा को इसमें हम थर्ड एजेंसी थर्ड पार्टी क्लाउड इन पेनल्ट करेंगे। अब उसमें दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक तो सामान्य डाटा होता है, एक संवेदनशील डाटा होता है। वो संवेदनशील डाटा को किस प्रकार रखना, संरक्षण रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डाटा चोरी भी बहुत होते हैं, तो डाटा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो सुरक्षित रहे इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी होंगे कि हमारे डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सके, और यह क्लाउड बनाने वाली एजेंसी को इंप्लीमेंट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड, और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बनाएं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन भी बहुत हो रही है आजकल। अभी काफ़ी लोग पकड़े हैं कि इस वार्ड में भी उसका कार्ड है, इस वार्ड में भी उसका कार्ड है, तो ऐसी डुप्लीकेसी भी नहीं हो और सही व्यक्ति को उसका हक मिले, इसके लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बना रहे हैं और उसके लिए राज्य सरकार का हमें केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार ने हमें उसमें राशि दी है, उसमें मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार की है। यह स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके हम लोग चिंता करेंगे।
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विद्या है। हालांकि इसमें अनुसमर्थन का था कि राज्य शासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया था। इसमें मुख्य बात ये थी कि इस बार हमेशा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी उनका भी बढ़ाया गया है और इसका अनुसमर्थन का विषय, बाकी इससे कर्मचारियों में काफी संतोष है। जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख संस्था होती है 1 साल के लिए 0% ब्याज पर किसानों को पैसा देती है। साधारणतया उसकी डेट हमने 1 महीने और बढ़ाई है। इस पर शासन को लगभग 10 करोड़ का खर्चा आएगा, किंतु किसानों को इससे राहत मिलेगी। किसानों की मांग थी कि कम से कम इस राशि को, क्योंकि वो ओवरड्यू हो जाता था और अगली बार उसकी लोन लेने की जो दक्षता थी वो समाप्त हो जाती थी, इसलिए 1 महीने राज्य शासन ने उनको बढ़ाया है। ठीक है भाई, थैंक यू।